दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कुछ बीमारियों के बारे में। जो बीमारियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो आप बाद में कितनी भी सुरक्षा रखें फिर भी आ जाती हैं, उनके आने का क्या कारण है और कैसे आती हैं, क्या लक्षण हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे दोस्तों हम लोगों का हौसला और बढ़ता है। तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का वो होता है। दोस्तों सबसे पहली बात ये होती है कि जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इस मौसम में, खासकर इसी मौसम में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है बीमारी, वो कहीं ना कहीं दोस्तों CRD है। CRD बीमारी ऐसी बीमारी होती है दोस्तों कि जो आपके फार्म में अगर आ गई एक बार, ये ना इसके आने के कई सारे कारण हैं दोस्तों, और ख़ासकर इस समय का इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इन्वायरमेंट में इस समय बहुत ही ज़्यादा डस्ट है चारों तरफ, और डस्ट होने की वजह से आप लोगों के फार्म में हल्की पहले साउंड आएगी, पहले आपको लगेगा कि यहाँ बर्ड में सर्दी वगैरह हो गई है थोड़ी बहुत। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि धीरे 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 करके वो पूरी तरीके से CRD में बदल जाएगी, और जब CRD में बदलेगी तो आपका जो चूजा है या मुर्गा है वो बहुत ही तेज खींच खींच से सीधा वो घर घर की आवाज़ आने लगेगा। और जब आप रात के समय पे दोस्तों अगर CRD का आपको सही से परीक्षण करना है, इसके लक्षण को देखना है, तो आप लोग जब रात के समय पे आप एक बार थोड़ी देर के लिए अपने फार्म की लाइटें जो होती हैं दोस्तों, लाइटों को बंद कर दीजिए। लाइट बंद होने के बाद में आप देखेंगे कि सारे बर्ड जो इससे ग्रसित होंगे वो ना एक घुर घुर की आवाज़ करेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि जब किसी को बहुत ही ज़्यादा फीवर होता है तो जिस तरह से साउंड निकलती है दोस्तों, और सर्दी और जुखाम में जब नाक बजता है ना, उस टाइप की आवाज़ें आपके फार्म में आनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही अभी के टाइम पे कॉमन बन चुका है दोस्तों, और CRD ना हर एक, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में कम से कम मान के चलिए 85 लोगों के फार्म में इस प्रकार की दिक्कतें हैं। इससे बचाव के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ना सबसे पहले अपने फार्म को चारों साइड से ढक के रखें। जिस दिन कहीं आपके यहाँ गेहूं की मड़ाई वगैरह हो, उस दिन 100% आपको ये ध्यान रखना है कि पहले अगर आपके साइड में किसी बंदे ने, अगर जो थ्रेसर होता है, थ्रेसर का मुंह अगर आपके तरफ करके रखा है और गेहूं की मड़ाई कर रहा है, तो उसको मना करिए कि भाई यहाँ पे मत करिए, आप थोड़ा कहीं अलग कर लीजिए। दूसरे नंबर की बात जो है दोस्तों, अगर आपके फार्म में कहीं अगल बगल में मान लीजिए कि गड्ढा है, या थोड़ी दूर पे पानी का मतलब गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी की गंदगी से ही दोस्तों, पानी जब गंदा अगर आपके बर्ड को मिल रहा है तो वहाँ से इकोली बनेगा। इकोली बनने के बाद में दोस्तों आप समझ नहीं पाओगे, धीरे धीरे इकोली जो है CRD में बदल जाएगा। हमेशा पानी का जो है प्यूरीफाई करके ही दें। प्यूरीफाई वाला पानी पिलाओगे तो ये समस्याएं हमेशा फार्म में कभी भी नहीं आएंगी। तो एक तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने बर्ड को जब भी पानी दें, चाहे जिस दिन बर्ड आए उस दिन से लेके लास्ट टाइम तक, अगर आपका पानी आपने टेस्ट कराया है, टेस्ट में अगर सही खरा उतर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको हर एक पानी में अपने बर्ड को प्यूरीफाई के साथ में पानी देना है। और जिस भाई के फार्म पे अक्सर आए दिन इकोली आ जाती है दोस्तों, उन भाइयों के लिए मेरा एक ही सजेशन है
कि ऑल क्लीन डब्लू करके एक दवा आती है दोस्तों, जो बिरवैक कंपनी की है, बहुत ही नंबर एक दवा है दोस्तों। मैं इसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर पूरा 100% भरोसा करता हूँ। और ये दवा मान के चलिए दोस्तों कि जिस फार्म के अंदर इसको चला दिए आप एक बार, तो फिर इकोली तो आ ही नहीं सकता है। अगर थोड़ी बहुत इकोली है भी और आपने चलाना शुरू कर दिया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों कि अगर सीआरडी या इकोली बन गई है तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो ब्रूडिंग प्रोटोकॉल होता है, ब्रूडिंग प्रोटोकॉल से अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे ट्रॉक्स है, ट्रॉक्स को अगर आप शुरुआत में यानी जब आपका चूजा आता है उसके 7वें या 8वें दिन पे आप 90 ग्राम एक 1000 मुर्गे पे अगर आपने 90 ग्राम पाउडर को पानी में मिला के दिया है दोस्तों, तो आपके फार्म के अंदर इकोली नहीं आएगी ना सीआरडी आने देगी। अगर मान लीजिए कि थोड़ा और स्टेज बढ़ता है तो इसका एक प्रोटोकॉल है कि 8वें से 10वें दिन के बीच में, 15 से लेके 20 दिन के बीच में, और फिर इसके बाद में आपको 30 से लेके 35वें दिन के बीच में अगर आप ट्रक चलाते हैं तो ये समस्या नहीं आएगी। अब बारी आती है दोस्तों कि अगर हम ट्रक्स नहीं चला पा रहे हैं और सीआरडी जो है बहुत ही ज़्यादा अटैक कर चुकी है, तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई अदर दवाएं कितना भी चलाओगे काम नहीं करेंगी। अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जब आप पोस्टमार्टम करते हो तो किडनी जो है बहुत ही ज़्यादा स्वाइलिंग वाली मिलती है, ऐसे में दोस्तों आप लोगों को एक ही काम करना है, वो है इंजेक्शन देना। तो उसके लिए दोस्तों आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो आता है वो ले लीजिए, अमकासिन ले लीजिए, एमबीआई ले लीजिए। एमबीआई, अमकासिन और जेंटा, इसको अगर आप चला देते हो अपने बर्ड में, अगर इस दवा का आपने प्रयोग कर दिया है, जो अगर आप छटाई कर पाते हो तो थोड़े बहुत बर्ड आप जो आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज है उसको बाहर निकाल लीजिए, उसको डबल डोज कर दीजिए, जो बर्ड अच्छे हों उनको एक ही डोज में तुरंत रिलीफ मिलेगा। दूसरे नंबर की एक बीमारी और ही है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय है, वो है बीट प्रॉब्लम। बीट प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों रात के समय पे आप देखते हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा होता है और दिन में बहुत ही ज़्यादा, किसी किसी दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी बन जाती है। तो जब गर्मी बन जाती है दोस्तों तो इससे होता क्या है कि बर्ड ना हाँफने लगता है, पेंडिंग करने लगता है, और इकट्ठा बैठ करके उसको आप देखेंगे तो बहुत ही तेज़ मुँह खोल खोल के हाँफता मिलेगा आपको। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को दोस्तों काम ये करना है कि हमेशा दिन में 3 बार पानी बदलें, 3 बार पानी ताज़ा ताज़ा दें, प्यूरिफाई दें। उसके अंदर अगर आपका चूजा जो है 25 दिन प्लस का हो गया है तो उसमें आप इलेक्ट्रोल पाउडर, नींबू, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर दीजिए। यानी जितना ज़्यादा ठंडा पानी देंगे, जितना ज़्यादा बर्ड को आराम देंगे, अपना मैनेजमेंट बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपके फार्म का रिजल्ट रहेगा और उतना ही कम आपके बर्ड में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। दस्त का बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अगर इससे नहीं जाता है तो आप लोगों को दोस्तों कई सारी मार्केट में दवाएं मिल जाएंगी, इंडोसिट हो गया या ट्रिपिन हो गई, इन सारी दवाओं को लेके आना है, लीवर टॉनिक के साथ में इसको चला देना है, इससे भी आपके बर्ड को रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग भी केयर करते हो दोस्तों तो आपके मुर्गे में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।
फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।